गाइस देख रहे हो ना आप स्नो हर तरफ स्नो, लेकिन एक और चीज़ भी देख रहे होगे आप कि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा है कि अभी मैं थोड़ी देर में फिर से इस कैप पर बहुत ज़्यादा आने वाली है और स्नोफ्लेक्स बहुत बड़े बड़े हैं। डीजे आ गया, आइए डीजे। और इधर है सनसेट। बिल्कुल परफेक्ट, यही है वो, बिल्कुल परफेक्ट फ्लेक है। देख मैं तुझे दिखाता हूँ, गिरे कोई, देखिए स्टार, ये देख। गाइज वेलकम टू डलहौजी। मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है यहाँ पर। कल दोपहर में हम लोग डलहौजी आ गए थे, काफ़ी दिक्कतें आईं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है यहाँ पर, और शाम को हमें जो मज़ेदार स्नोफॉल देखने को मिली उसका तो बात ही अलग है। ऐसी स्नोफॉल हम लोगों ने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं की थी अभी तक। ऑली में की थी बट यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। थोड़ी सी आपको डिटेल्स दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ दिल्ली से यहाँ तक कैसे कैसे आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ी। सबसे पहले हम लोग दिल्ली से ट्रेन से पठानकोट तक आए थे और रात को हम अराउंड 4 बजे तक हम पठानकोट पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने सुबह 6 बजे डलहौजी की बस ली। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि बसेस पूरी डलहौजी बस स्टैंड तक आती है, बट इस टाइम स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बस तो छोड़ो, टैक्सीज तक डलहौजी तक नहीं आ पा रही हैं। बस ने हम लोगों को ड्रॉप कर दिया था बनी खेत में, जो कि अराउंड 6 किलोमीटर्स है डलहौजी से। वहाँ से टैक्सीज भी हम लोगों को नहीं मिली, कोई भी टैक्सी डलहौजी के लिए नहीं जा रही थी बिकॉज रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रखे थे स्नोफॉल की वजह से। पिछले 3 दिन से यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने वहाँ के लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा कि आपको 6 किलोमीटर पैदल ही ट्रैक करके जाना पड़ेगा डलहौजी तक। हमने 6 किलोमीटर की ट्रैक की और फिर हम दोपहर में अराउंड 2 बजे के आसपास डलहौजी पहुँचे। बट इसका फ़ायदा ये हुआ कि स्नो ट्रैकिंग करते टाइम जो हम लोगों ने नज़ारे देखे उनका अलग ही मज़ा था। वो नज़ारे टैक्सी से आपको नहीं मिल पाते, तो एक तरीके से मेहनत तो पड़ी बट मज़ा बहुत आया था उसमें। फिर डलहौजी में आने के बाद हम लोगों ने होटल्स काफ़ी सारे चेक किए, तो यहाँ पर जो सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट हम लोगों को होटल लगा वो था चमन पैलेस होटल। तो वहाँ पर हम लोगों को 1000 रुपीज़ में रूम मिल गया था हम 3 लोगों के लिए। तो अभी हम दो दिन के लिए वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। कल बहुत कुछ हम लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी मज़े आए, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हम लोगों ने देखी। और आज का प्लान हमारा यह है कि हम आसपास ही डलहौजी में थोड़ा घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये जो आप रूट देख रहे हो पीछे, आप ये लकड़ी के लगे हुए आप देख रहे हो, ये जो डेकोरेशन है पूरी की पूरी, ये डेकोरेशन डलहौजी स्कूल है यहाँ पर, तो उसी की हुई है पूरी की पूरी। तो हम खजियार वाले रूट पर हैं अभी, यहाँ से ही ये वाला रूट जो है ये पूरा खजियार जाता है। बट अभी हम लोगों का प्लान है कि कल हम लोग खजियार जाएं, बट कह नहीं सकते हैं कि हम जा पाएंगे कि नहीं। अभी हम लोगों को नीचे आके पता करना पड़ेगा कि टैक्सीज खजियार तक जा पाएंगी कि नहीं। खजियार में और भी ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है इन कंपैरिजन टू डलहौजी। तो चलिए अब चलते हैं, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे, काफ़ी सारे सिनेमेटिक शॉट्स लेंगे अब, और लेट्स गो देन। Thank you.
अराउंड 4 ईयर्स बैक हम सेम इसी लोकेशन पे आए थे अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ, और आप तब की फ़ोटो देखिए और अब देखिए बिल्कुल ही रंग बदल चुका है यहाँ का। सेम यही स्पॉट है जहाँ से हम लोग को इंस्पिरेशन मिली थी 3 ट्रैवलर्स को स्टार्ट करने की। अबे क्या कर रहे हो? हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि 4 साल पहले हम लोगों को इंस्पिरेशन मिली थी जब हम लोग यहाँ आए थे कि अब तो यार हमें ट्रैवलिंग ही स्टार्ट करनी है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने 3 ट्रैवलर्स स्टार्ट किया था, तो ये काफ़ी मेमोरेबल प्लेस है हमारे लिए। गाइस क्या कर रहे हो? हो गया सफाई चल रही है। हाँ। खेलने के बाद सफाई चल रही है। पीछे देख कितना बड़ा पेड़ है। हाँ यार मुझे लगता है बहुत पुराना होगा ये। हो सकता है, बड़े पेड़ ज़्यादा पुराने ही होते हैं ऐसे। गाइस ये था हमारा डलहौजी का व्लॉग। अब कल का हमारा प्लान है खजियार जाने का, बट हो सकता है कि वो प्लान हमारा कैंसिल भी हो जाए बिकॉज खजियार के रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ी हुई है, तो हो सकता है उस वजह से वो प्लान कैंसिल हो जाए। और एक बात और बतानी थी कि जो डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने नहीं प्रोवाइड की है वो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसका नाम होगा बजट ब्रेकडाउन। वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ थैंक यू वेरी मच।